करते हैं। बंगाल में दीदी को चुनौती देने के लिए मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंच गए हैं, जहां उन्होंने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि 2 मई दीदी गई, बीजेपी आई। इससे पहले उन्होंने काली मैया के दर्शन भी किए, कहा कि काली मैया की कृपा पूरे देश पर बनी रहे। साथ ही कहा कि बंगाल में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, जहां परिवर्तन की लहर चल रही है। निश्चित तौर पर बीजेपी के चुनाव जीतेगी और 2 मई दीदी गई, बीजेपी आई। तो काली मैया के दर्शन के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान आज चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और बंगाल में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। माँ के दर्शन करके जीवन धन्य हो गया है। काली मैया की कृपा संपूर्ण देश पर बनी रहे। जहाँ तक चुनाव का सवाल है, पश्चिम बंगाल में परिवर्तन की लहर चल रही है। टीएमसी की हिंसा, भ्रष्टाचार, कटमनी, अत्याचार, अन्याय और विशेषकर केंद्र की योजनाओं का लाभ नहीं दिया। 130 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिया है भारतीय जनता पार्टी के, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। और 2 मई दीदी गई, भाजपा आई। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हावड़ा में जनसभा को संबोधित किया। जगत वल्लभपुर पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जनसभा को संबोधित किया। परिवर्तन यात्रा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज निकाली, जिसके चलते आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जनसभा को संबोधित किया। हावड़ा में जनसभा का आयोजन हुआ था। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान बंगाल दौरे पर हैं, जहां चुनाव प्रचार तेजी से वो कर रहे हैं। ऐसे में हावड़ा पहुंचे वो, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और परिवर्तन की लहर आने की बात कही। तुमने काम किया समुदाय के आधार पर कमजोरी का तुष्टिकरण की नीति के चलते हुए एक बंगाल हो गया मुस्लिम बंगाल। तुमने बना दिया दीदी, ये पाप और अपराध किया है जिसको बंगाल की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। मैंने सुना एक नया शब्द कटमनी, कटमनी फूलाबादी कैंप। अरे हम भी चौथी बार मुख्यमंत्री हैं दीदी, हमारे यहाँ तो अगर केंद्र से पैसा आता तो कभी कट नहीं होता, सीधे जनता के खाते में जाता है। तो मोदी जी ने गरीबों का राशन भेजा, टीएमसी वालों तुम तो गरीबों का राशन खा गए। आपका राहत के लिए अगर त्रिपाल आए तो टीएमसी वाले त्रिपाल ही खा गए, ये राशन खा गए, ये किसान सम्मान निधि का पैसा खा गए। किसान भाइयों, मोदी जी ने भेजे 6,000। ममता दीदी तुम्हारा क्या बिगड़ता था? अगर ये 6,000 रुपया गरीब किसानों को मिल जाते तो मैं गरीब किसानों को नहीं दे देती। मोदी जी ने फैसला किया गरीबों का इलाज, आयुष्मान भारत की योजना के अंतर्गत 5,00,000 रुपए का इलाज फ्री में होगा। ममता दीदी क्या तकलीफ थी? तुमने गरीबों के इलाज का पैसा नहीं आने दिया। हमने सुना था जब भगवान राम थे तब रावण और कुंभकर्ण हुआ करते थे। कुंभकर्ण के बारे में कहते 6 महीने जागता था और 6 महीने सोता था, और जब 6 महीने उठता था तो खाते ही रहता था। लेकिन ये टीएमसी वाले कुंभकर्ण को 12 महीने खाते रहते हैं। इन्हें बंगाल की जनता खा गए, जनता के हक को मारा है। और इसलिए परिवर्तन का आह्वान करके ये परिवर्तन यात्रा निकल रही है। ये परिवर्तन यात्रा ममता दीदी टीएमसी के कफन में आखिरी टीम होगी। बंगाल फदाए भारतीय जनता पार्टी के साथ, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ। और इसके बाद जो परिवर्तन आएगा इसमें सोनार बांग्ला बनाया जाएगा। सोनार बांग्ला को सपने को सच करने के लिए एक गौरवशाली, पैगमशाली, समृद्धशाली पश्चिम बंगाल के लिए निर्माण के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के साथ आइए, मोदी जी के साथ आइए, अमित भाई के साथ आइए। ये
बिहार की सरकार बनाने के लिए आप हमें समर्थन दीजिए, हम आपको परिवर्तन देंगे। ये परिवर्तन की लड़ाई है, आप सबका प्यार और आशीर्वाद मिले, यही अपील करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। एक बार फिर बोलो भारत माता।